और रेंज इंपॉर्टेंट क्यों है? वीवीए मैक्रो पावर प्रोग्रामिंग में जो चार ऑब्जेक्ट है, जिसमें पहला आपका है एप्लीकेशन वर्कबुक, और दूसरा है आप तीसरा शीर्ष और चौथा रेंज है। इसलिए क्योंकि हम लोग मोस्टली काम जो है किस पर करते हैं, रेंज पे ही करते हैं ना। हमें पिवट लगाना है, चार्ट लगाना है, कॉपी करना है, रेंज करना है, एनीथिंग। तो रेंज इंपॉर्टेंट है, रेंज को ध्यान समझिएगा। रेंज पे कमांड कर लिया तो समझिए कि 40% वीवीए पे आपकी कमांड हो गई। सबसे पहले बात करते हैं रेंज की सिलेक्शन मेथड, रेंज की सिलेक्शन मेथड, ठीक है। जैसे कि मैं लिखता हूं रेंज A1.select, राइट, रेंज A1.select, या हम लिख सकते हैं सेल्स 1.1.सेलेक्ट, राइट। तो ये हमारा मेथड क्या हो गया, रेंज आपका, हम रेंज से कॉल करते हैं, दूसरा हम सेल्स से कॉल करते हैं। तो दो मीडियम है हमें कॉल करने का, पहला है रेंज, दूसरा है सेल। सेल्स जो है आपका वो है R1 C1 रेफरेंस टाइप। R1 C1 रेफरेंस स्टाइल का है। जैसे कि आगे चल के जब आप यू देखेंगे तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। क्योंकि तो आगे जैसे कि बहुत सारे केसेस में हमें रो एंड कॉलम नंबर ही मिलेंगे। तो वहां पे इसका हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें दो और पार्ट है, उसका भी जान लीजिए एक मिनट। दूसरा पार्ट है सिलेक्शन एक्टिव से, एक्टिव सेल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा सिलेक्शन, दो चीजें भी इसमें हैं जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। तो रेंज की कॉलिंग में चार चीजें हैं। अब बात हम करते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा यूज होता है वो होता है सिलेक्शन का। क्योंकि डेटा को आप जब तक सिलेक्ट नहीं करेंगे, जो डेटा आपका है जब तक उसको आप सिलेक्ट सही तरीके से नहीं करेंगे, तब तक आपका कोई भी रिपोर्ट को ऑटोमेट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेंज की सिलेक्शन, क्योंकि पिवट अगर करोगे तो रेंज की सिलेक्शन पता होनी चाहिए कि रेंज की सिलेक्शन कैसे होती है, ऑटो सिलेक्शन कैसे होती है, ये सारी चीजें, ठीक है। एक सेकेंड होल्ड कीजिए, एक सेकेंड।
तो कैसे सिलेक्ट करें रेंज को देखें, मान लीजिए इसी रेंज को मुझे सिलेक्ट करना है, तो यहां पे लिखेंगे रेंज A1 से, जो हमारा एक्सेल का स्टाइल है, A1 से लेके H19, यहां पे H19 कर देंगे डॉट सेलेक्ट। लेकिन अगर एक्सेल का बात करें तो एक्सेल में हम लोग लिखते हैं यहां पे कि रेंज A1, क्योंकि स्टार्टिंग पोजीशंस है, और फिर यहां पे लिखेंगे H19 जो हमारा एंडिंग पोजीशंस है डॉट सेलेक्ट। ये क्या करेगा कि स्टार्टिंग में यहां क्लिक करेगा और एंडिंग में यहां क्लिक करेगा, ठीक है? तो स्टार्टिंग और एंडिंग इस तरह से चलता है, राइट? तो सिलेक्शन का ये दो पार्ट है। लेकिन मुझे अगर मल्टी सेल सिलेक्ट करना है, मतलब कि हम चाहते हैं कि इसको इस तरह सिलेक्ट करना मल्टी सेल, तो मल्टी सेल सिलेक्शन करने के लिए सिंपल सा रूल है, आप देख लीजिए। क्या लिखेंगे, रेंज A1, C1, F1, जो जो रेंज है उसको सेलेक्ट कर लीजिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो वो मल्टी सेल सेलेक्ट करता है, ठीक है? तो मल्टी सेल सेलेक्ट करने का हम ये इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो जनरल सेलेक्ट। तो अब बात करते हैं कर्सर को मूव करने का। जैसे यहां पे कर्सर हमें सबसे लास्ट में जाना है, हम लोग क्या करते हैं कंट्रोल के साथ एरो की प्रेस करते हैं, डाउन एरो की, तो उसको लास्ट में आता है। ऐसे हमें राइट में जाना है तो कंट्रोल के साथ राइट, लेफ्ट, अप, डाउन करते हैं। तो मुझे अगर मान लीजिए कि यहां पर कुछ टाइप करना है, तो मुझे यहां से सबसे लास्ट सेल पे आना पड़ेगा ना। तो सबसे लास्ट सेल पे आने के लिए यहां पे हम कोड लिखते हैं रेंज A1 डॉट एंड, और यहां पे हम कर देते हैं एक्सेल डाउन डॉट सेलेक्ट। ये क्या करता है, कर्सर यहां से सबसे नीचे आ जाता है डाउन। लेकिन दिक्कत इसमें एक है कि अगर बीच में कहीं डिलीट है, जैसे एक्सेल डाउन है ऐसे यहाँ पे एक्सेल लेफ्ट राइट हो जाए, लेकिन जब एक्सेल डाउन का मेथड इस्तेमाल करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, जैसे यहाँ पे ब्लैंक है तो ये ब्लैंक के ऊपर ही आकर रुक जाएगा, इससे नीचे नहीं जाएगा, राइट? इससे नीचे नहीं जाएगा। तो क्या करें ताकि इससे नीचे जाए, तो इससे नीचे जाने के लिए हम ऊपर से नीचे आ, नीचे से ऊपर जा, इस तरह से। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां लिखेंगे कि रेंज A65000 डॉट एंड, और यहां एक्सल अप एंड डॉट। क्या होगा नीचे से ऊपर जाएगा,
ठीक है सर। सर ये नीचे से ऊपर जाने में इस ब्लैंक पे स्टॉप नहीं होगा? नहीं, क्योंकि नीचे से नहीं समझेगी ये, सबसे जाएगा आप मैनुअल करके देखिए, नीचे से ये 65,000 में गया, ठीक है, अब नीचे से ऊपर आया तो सबसे लास्ट ओके ओके ना, ठीक लास्ट पे। है, बताओ। एक से एक कॉल ले लेता हूँ। हेलो, आप मेरी वेबसाइट ibtindia.com पे चले जाइए, वहां से मिल जाएगा ibtindia, सॉरी। तो नेक्स्ट जो है हमारा, ये जो हम ये बता रहे थे आपको यहाँ पे, ये जो आपका है कि excel, अब मान लीजिए कि ये तो लास्ट फिल नंबर पे गया, जो लास्ट नंबर फिल लेता है उस पे गया, मुझे फिल लेता से एक नीचे चाहिए, तो उस केस में हम लोग ऑफसेट का इस्तेमाल करते हैं, डॉट सेलेक्ट को हटा देंगे और यहां लिखेंगे ऑफसेट। ऑफसेट में जितना कॉलम चाहिए उसे एक कॉलम, एक रो एंड जीरो कॉलम, डॉट सेलेक्ट। ऑप्शन इस्तेमाल करना होता है कि जहां पर आपका कर्सर है वहां से आपको कितने कॉलम को ऊपर नीचे करना है। ठीक है, बात करते हैं सिलेक्शन की, जैसे कि हम लोग कंट्रोल के साथ शिफ्ट के, कंट्रोल शिफ्ट एरो की से राइट एंड डाउन करेंगे तो डेटा सिलेक्ट हो जाता है, तो डेटा सिलेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे दीजिए। तो यहां लिखेंगे हम रेंज A1 से A1 स्टार्ट, यहां A1 एंडिंग है रेंज A1 से डॉट एंड एक्सेल टू राइट डॉट सेलेक्ट, और इसी के नीचे दो लाइन लिखना पड़ेगा, इसके लिए लिखेंगे रेंज, ध्यान देंगे सिलेक्शन से सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल डॉट सेलेक्ट, ठीक है, किसका इस्तेमाल करते हैं, ये पूरा रेंज को सिलेक्ट कर लेगा। लेकिन यहां भी अगर ये ब्लैंक इस तरह के हुए तो ये मेथड भी आपको ऑटोमेटिक डेटा सिलेक्शन में दिक्कत करेगा, वो क्या करेंगे, तो हम लास्ट जो मेथड है उसको देखेंगे कि आर इक्वल टू रेंज A65,000 डॉट एंड एक्सेल एस आप एंड डॉट रो कर लेंगे।
और फिर सी कहेंगे कि सी इक्वल टू रेंज एस एफ डी वन डॉट एल, और यहां पे कर देंगे एक्सल टू लैब डॉट कॉम। तो ये दोनों क्या करेगा कि मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा, जहां लास्ट रो मिलेगा उस लास्ट रो की कॉलम नंबर ले लेंगे। और दूसरा क्या है सी, ये क्या करेगा कि जो कॉलम है उसका नंबर जो है ले लेगा, एक्स एफ पी तक सबसे लास्ट पे जाएगा, एक्स एफ पी वन होगा लास्ट, यहां से लेफ्ट की तरफ बढ़ेगा जो लास्ट मिलेगा उसका कॉलम नंबर ले लेगा। मतलब मान लीजिए कि मुझे एच कॉलम एंड 19 रो मिला, तो एच 19 आ गया ना, लेकिन ये नंबर में देगा 1 2 3 4 5 6 7 8 देगा, जो कॉलम का फॉर्मूला वर्क करता है वो वर्क करेगा। तो इसकी सिलेक्शन बनाने के लिए हम ले लिखेंगे रेंज ए वन हमारा स्टार्टिंग है और एंडिंग है सेल्स, सेल्स आर कॉमा सी डॉट सेलेक्ट। तो ये मेथड हुआ कि कैसा भी डेटा को आपको कर देगा, इसमें डेटा आपका चाहे जैसा, लेकिन ध्यान रहे ये जो चीजें भी कर रहे हो ये सिर्फ एक्टिव सेल पे चलेगा। अगर आप चाहते हो किसी पर्टिकुलर शीट का, जो कोई पर्टिकुलर शीट है उस पर्टिकुलर शीट का रेंज लेना है, तो मुझे उससे मान लीजिए मुझे रेंज ए वन डॉट सेलेक्ट करना है, तो जो एक्टिव शीट है शीट वन ए करेगा। मैं चाहता हूँ शीट टू का रेंज ए वन ले ले, तो फिर उसके लिए यहाँ पे आपको उसके लिए फिर आपको यहाँ पे ए करना पड़ेगा, शीट को एक्टिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक शीट एक्टिवेट नहीं होगा तब तक नहीं खुलेगा, राइट। कैसे कि यहां पे एक्टिव सेल, तो एक्टिव सीट को एक्टिव करना है, मुझे कि सीट वन डॉट या सीट जो भी सीट का कॉलिंग मतलब जो सिखाया था डॉट सेलेक्ट, ये करना पड़ेगा, राइट। इधर जो भी, लेकिन अगर हम किसी सेल पे डेटा को टाइप करने की बात करते हैं, जैसे मैं चाहता हूं कि यहां पे कोई डेटा टाइप करना है A1, तो A1 पे डेटा टाइप करने का कोड जो है लिखेंगे यहां पे हम कि रेंज A1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, अगर नंबर है तो नंबर लिखने का टेक्स्ट एवरी इन्वर्टर को मांग लिखे, या दूसरा तरीका है कि मैं यहां पर लिख सकता हूं रेंज A1, हाँ बस चलो डॉट वैल्यू, वैल्यू नहीं डॉट सिंपल लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर लिखूं रेंज A1 डॉट फॉर्मूला, तीन तरीके से लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ अगर किसी सेल की वैल्यू किसी और पर रखा जाए, मतलब मैं चाहता हूं कि F1 की वैल्यू A1 पे आ जाए, क्या लिखूंगा कि रेंज F1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू रेंज, देखिए A1 की वैल्यू A1 पे F1 की वैल्यू चाहिए तो A1 पहले होगा, और यहां पे हमें लिखना होगा F1 डॉट वैल्यू, ठीक है।
लेकिन अगर ये क्या हुआ कि अगर A1 पे S1 पे आपका अगर फॉर्मूला हुआ कि 20 प्लस 60, तो ये आपका 85 यहां लिख देगा मैनुअली जो टाइपिंग होता है। लेकिन अगर इसमें हम डॉट फॉर्मूला करते हैं तो फॉर्मूला है, अब ये सारा एक्टिव शीट पे चल रहा है। अगर मान जाता है किसी पर्टिकुलर शीट के लिए, तो उस पर्टिकुलर शीट का पाथ आपको यहां देना पड़ेगा कि शीट वन जो भी कॉलिंग मेथड है वो देना पड़ेगा और इसके आगे कि शीट टू। अगर कोई पर्टिकुलर फाइल है तो यहां पे उस पर्टिकुलर फाइल को ओपन करनी चाहिए और यहां पे आप लिखेंगे कि वर्क बुक्स और इस उसमें जो बुक है आपका उस बुक का पाथ कि बुक टू थ्री जो भी है डॉट XLSM याने और यहां भी आपको सेम देना पड़ेगा। अनदर एक बुक से अनदर बुक में डेटा टाइप करना चाहते हैं तो मैं बुक वन से बुक टू, बुक वन हो जाएगा हमारा राइट साइड एंड बुक टू हो जाएगा हमारा लेफ्ट साइड। लेकिन इस केस में नहीं, इस केस में आपका वर्क बुक ओपन होना चाहिए और उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा कि यहां पे वर्क बुक वन डॉट एक्टिवेट, समझ गए? कोई डाउट आप लोगों को? नहीं सर नहीं, आप रिकॉर्डिंग डाल देना बस। हाँ रिकॉर्डिंग तो सर डाल ही दूंगा मैं। कोई डाउट तो नहीं है ना आप लोगों को सर? अरे लास्ट में आप जो फॉर्मूला है क्या लास्ट में लास्ट में मैंने आपको बताया कि आपको ओपन करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। ये रिकॉर्डिंग एक कोड मैं आप लोग भेज रहा हूँ, आप लोग कोई कंफ्यूज नहीं है।